तू मुझे गर्म कर रही है। नहीं क्यों, तुम्हें कैसे गर्म कर रही हूँ? सोच रहा मम्मी लोग कैसे गर्म होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और आज है सैटरडे और मैं लुंगी उठा के काम कर रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा बहुत लुंगी देखना पड़ेगा अभी क्या कर, काम के टाइम ना लॉन्ग ड्रेस देखना बहुत मुश्किल होता है। और आज शांतनु और मंदा ने मेरा बहुत हेल्प कर लिया, क्योंकि हमारे में ना दुर्गा पूजा से पहले साफ किया जाता है। हमारे दुर्गा पूजा षष्ठी से शुरू होगा, तो इसीलिए उसके पहले जो भी साफ सफाई वो सब कर, घर पर चाट बन रहा है क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का फील चाहिए। स्वीटी को बोले, स्वीटी बोले कुछ तो चटपटा वाला खिला, वो देख रहे हैं ना टीवी पे, और उसके बाद उसका भी कुछ दोस्तों का देख रहे हैं सब खा के। अरे क्या करें, रुको गरम नहीं हुआ। नहीं हुआ कैसे पता आपको? तू मुझे गरम कर रही है। नहीं क्यों, तुम्हें कैसे गरम कर रही हूँ? सोच रहा मम्मी लोग कैसे गरम होते हैं। तुम तो ठंडा होके रख रहे हो। जो बन रहा है ना शांतनु के डिमांड पे, मैं आज नहीं बनाने वाली थी। शांतनु वाला फील करने के लिए उसको ये बहुत पसंद है, बोलते पेट ठीक रहता है, इसमें पेट ठीक रहता है। सोचो हटो, हाथ दाओ, मत दाओ, गर्म है। और मैं खाना बनाते बनाते आ रही हूँ, क्योंकि मंदा का तो पूरा हेल्प करना ही पड़ता है। देखो मैं पूरा नहीं करती हूँ, मंदा का हेल्प लेके ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में सिर्फ मंदा नॉर्मल मॉपिंग करती है। तो ऐसा धक्का मारेगा, ये दोनों से नहीं होगा, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। देखते रुको रुको। और ये जो जगह देख रहे हो, ये स्वीटी का रूम का पीछे का अलमारी का सारे हटा के सामने देख रहे हो, छोटा छोटा जो कैबिनेट सारे सामने किया। और जो टीवी है वो खोल के तो साफ तो कर लिया, और लगाने के टाइम मुश्किल होता है ना टीवी को कैसे करके लगा, क्योंकि ये हिंस टाइप का है तो वही डर भी लगता है ना। इमली को भिगो के रखा था, वो इमली के साथ पानी, सॉल्ट और यहाँ पे मिर्ची, सूखी मिर्च को थोड़ा ग्राइंड किया। पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन पाउडर में ना खुशबू चेंज हो जाता है। इसको अभी बॉयल करके ठंडा करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से मुद्दे रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना। और बैंगल्स चेंज कर लिया, क्योंकि वो एक ही दिन में थोड़ी एक एक, अभी ग्रीन कलर का बैंगल्स नहीं है आज, तो ग्रे वाला ड्रेस है, तो इसीलिए ग्रे ही पहना है। साफ सफाई हो गया, थोड़ा सा फ्रेश होता है। स्वीटी का हिसाब से आज कुछ मतलब है ना, दुर्गा पूजा और देख मुझे काम करा रही है। तुम मुझे क्यों काम करा रहे हो? मुझे तंग करती, इसलिए मुझे अभी मौका मिला है। आज स्वीटी को दुर्गा पूजा का सब वीडियो देख, वीडियो नहीं न्यूज देख रही है, और बोले सब तो खाना खा रहे, चाट खा रहे, ये खा रहे, तो इसलिए आज स्पेशल बनेगा। हाँ मेरा ड्रेस इस तरह से, बस सिंपल सा ड्रेस, साड़ी नहीं पहना क्योंकि बैंगल्स अच्छा लग रहा है। ये बैंगल्स कितना पुराना, स्वीटी का भी है लेकिन स्वीटी वाला खराब हो गया। दही वाले ले, दही ले लो, दही ले लो। मलमल के कपड़े से दही निकल आएगा ना, स्मूथ निकलता है, फेटने की जरूरत नहीं है। दही में शुगर अंदाजा से, शुगर सॉल्ट, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा बैलेंस अपने हाथ है। चाट वाले भैया आप अपने हिसाब से, नहीं हमारे हिसाब से बनाओ, इसमें ये ज्यादा डालो। जिस कोई कोई तो बाप रे बोलते मिर्ची डालो ज्यादा करके, और मुझे मिर्ची खाया नहीं जाता, तो पहले बोलते भैया मिर्ची मत डालो। बॉइल्ड पोटैटो, चॉप्ड अनियन, और उसके बाद घुगनी रगड़ा जिसको बोलते हैं, तो मटर का जो बनाते हैं वो एक साथ मिक्स करो। जो इमली का पानी दिया ना वो थोड़ा सा, तभी टेस्ट आएगा। भाजा मसाला मैं एक हाथ से कर रही हूँ। ये जो भाजा मसाला ऑलरेडी साथ चार्ट वीडियो में है डिटेल, भाजा मसाला तो सबके घर पे बनता है, लेकिन इमली का पानी देके सब। हाँ अभी रुको, सॉल्ट नहीं दिया, सॉल्ट अंदाजा से, चाचू चाचू, हाँ सब है सब है। रुको रुको रुको, ये चाट वाले भैया को बहुत माथा खराब कर रहे। दीदी मुझे इसमें दो पानी, चाट वाले दे दे। इसमें तो वाली हो गई है, ये बाल्टी सांभर के लिए हम लाए थे चेन्नई से, चेन्नई नहीं पांडिचेरी से, चेन्नई एक्सप्रेस नहीं पांडिचेरी एक्सप्रेस। अगर पांडिचेरी का ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, सर बस वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग्स में से एक है। क्या मिस कर रही हूँ, जाऊंगी जाऊंगी। अरे और ये है असली चीज, कुएं में पानी डालो। अरे नहीं कुआं जैसा लग रहा है, तू सा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे वो बोला लगाएंगे वो पानी के लिए हमारा, यहाँ पे पानी पूरी डुबाएंगे ऐसे करके उठाएंगे। इमली का पानी था ना वो बॉयल करके उसको छान लिया है। देखो यहाँ पे अगर लगे तो थोड़ा सा डालूंगी, पहले टेस्ट करके तो देखा। और इसमें भाजा मसाला में वही धनिया, सौंफ, सूखी मिर्च, एक लौंग दिया था, मेथी रेडी करने में बहुत टाइम लगेगा, टेस्ट करके टेस्ट करके। पानी भी अंदाजा से, कुआं को मैं उठा लूं, कुआं गिरा हो गया ना, तो ये मेरा फेवरेट कुआं है रे बाबा, इसी में असली टेस्ट है।
डबल प्राइस देना पड़ेगा। पूरा सीधा आके बैठ गई और देखो मतलब बैठने की जगह ही नहीं है। ठेला वाले के पास इतना जगह कैसे होता है, उनके पास तो इतना सारा सामान। ठेला बड़ा होता है यार, डाइनिंग टेबल से भी, हाँ डाइनिंग टेबल से थोड़ा बड़ा है, लेकिन उनका भी तो और भी बहुत कुछ रहता है। हाँ दही फटा 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 फटा, दो ही बड़ा पानी के अंदर ही रखा है। और ये जो दो ही नरम रहेगा ना, नरम रहता है। और इसके ऊपर दो ही अंदाजा से खट्टा मीठा सब अंदाजा से। आई एम वेरी सॉरी, मेरे मुंह से ऐसा आवाज आ रहा है। और आप लोग अभी किसी का मुंह से पानी आ रहा है तो सो सॉरी। अरे लेकिन अभी शेयर करेंगे तभी ना खाएंगे सब, घर पे बना के खाओ अभी। लेकिन ठेले वाले के पास भी जा सकते हो भैया लोग। क्या दे रहे हो तो बनाओ। ये तो भजा मसाला, इमली और जो खट्टा मीठा जो चटनी होता है, इमली खजूर की चटनी। ये हमारे वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब खट्टा मीठा होना चाहिए। और ये काला नमक और मिर्ची पाउडर ऊपर से डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं, और एक चीज हमारे वहाँ पे डालते हैं वो है फ्री नहीं, पानी पूरी एक दो फोड़ के तभी मस्त एकदम। हाँ और ये है घुगनी जो मटर का होता है, उसमें कोई कोई ना ये आलू भी डालते हाँ। हैं थोड़ा सा, मतलब हम लोग बोलते थे भैया थोड़ा सा आलू डालो। अब जैसा जिसका पसंद के हिसाब से वही, इसमें भी थोड़ा सा भजा मसाला, लेकिन इसमें खट्टा मीठा चटनी बहुत कम डाला जाता है। और ये पानी ऊपर, ये मस्ट 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 है, तभी वो घुगनी का टेस्ट आएगा। और पसंद है तो ये थोड़ा सा प्याज और अनियन चनाचूर और थोड़ा सा भुजिया या चनाचूर। ये जो पापड़ी है ना, ये आटे का है, शांतनु ने मंगवाया था। और यहाँ पे वही पापड़ी चाट बन रहा है, मतलब उसके ऊपर आलू हाँ सेव पूरी, जो यहाँ पे सेव पूरी बोला जाता है वही आलू खट्टा मीठा चटनी। मैं ज्यादातर कॉलेज टाइम पे ना ये वाला ज्यादा खाती थी, लेकिन ये फ्लैट वाला नहीं, और थोड़ा पापड़ी थोड़ा सा फुला हुआ रहता है और ऊपर से ढेर सारे सेव। मेरा हाथ से इसलिए थोड़ा, यहाँ पे नायलॉन सेव देते हैं, हमारे वहाँ पे बेसन का सेव देते हैं इस तरह से। पापड़ी तुमने इस बार फ्लैट फ्लैट हाँ इसमें ज्यादा ज्यादा भर के। हाँ मैं भी भैया को बोलती थी भैया थोड़ा और डालो। ये आटे वाला जो है ना, ये कैसा लग रहा है पता है, निमकी लग रहा है। सीटी ऊपर से भाजा मसाला दे रही है। और ये जो आलू बनाया है इसके ऊपर से मेरे ससुराल में एक चीज डाला जाता है, वो है चनाचूर। मतलब जस्ट बनाते हैं उसी टाइम पे डालते हैं, ये मस्ट है। ऐसा बना है बहुत अच्छा, जरूर ट्राई करना सच में। दही वड़ा बहुत अच्छा बनाना है। किसी से नहीं खा पाएगा तो चाट क्या खाएगी, मीठा चाट होता है ऐसा वाला आवाज होता है, खट्टा मीठा तिखा, ऐसा नाक कान मुंह से धुआं निकले ऐसा वाला जो मेरा निकलेगा। आप लोग दही बड़ा खाओ, ये आप लोगों के लिए भेज रही हूँ। ये देखो एकदम शुद्ध देसी घर का खाना, एकदम मस्त एकदम। घुगनी भी आप लोग ले लो, इस तरह से घुगनी को ना इस तरह से मिक्स करते हो आलू के साथ, एकदम मस्त इस तरह से मिक्स करो। ऊपर से थोड़ा बहुत क्या डालते है पता है, ये पानी पूरी का। कितना पानी पूरी डालोगे मम्मी? ये हमारे वहाँ पे जितना बोलते है भैया लोग, बहुत कम कंजूसी करते थे, लेकिन बोलते थे भैया थोड़ा और डालो ना अच्छा लगता है। और ये हरी मिर्च जितना डालोगे उतना टेस्टी होता है। और इसमें और एक चीज जो मटर ये है ना, बिना बॉयल किया हुआ एक मुट्ठी डाला जाता है। और इसका मिक्स करो, लेकिन ये हरी मिर्च देख के मुझे डर लग रहा है। अरे लेकिन वो तीखा लगता था ना कान में एकदम, कान नाक। इसीलिए तो पानी पूरी वाले के पास सब लोग मुझे ही देखते है, मन में हंसते हैं, मुझे ही देखते है सच में। इसलिए मैं छुप के खाती हूँ ना। क्या जगह शिफ्ट हो गया, बहुत दूर पड़ रहा है तो बना वाला इधर आ जाएगा पानी के इधर से, लेकिन सामने सामने जितना रहे तो पानी पूरी वाले बोलते हैं एक स्लाइस से पकड़े रहो। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, 10 रुपया का दो। यहाँ पे 10 रुपया का कितना मिलता है, मिलता ही नहीं है। ये आटे और सूजी का पानी पूरी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। सूजी तो रहता है नहीं, आटे वाला खाया मैंने, यहाँ पे बिकता भी है आटे वाला मिलता है, अच्छा लग रहा था। इसमें क्या है पता है, ये छोटा वाला मैंने लिया है। माय गॉड मैं तो चुन रही हूँ मिर्ची किधर है। ये मस्त है, मेरा मस्त हो जाएगा एकदम। कुओं में डुबा दो, उन्हें तो डुबा के देते हैं, हमारे वहाँ पे डुबा के देते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए टेस्टी होता है, लोग हाथ के साथ डुबा था ना इसलिए। बंगाली पानी पूरी इमली का चटनी से बनता है, और यहाँ पे जो मिलता है वो तो वो पुदीना धनिया पुदीना का चटनी से मिलता है। ये पानी पूरी आप लोग इधर आ जाओ, छोटा वाला दे रही हूँ, मुंह में कप करके आ जाएगा, इसीलिए आप लोग हाँ, कप करके डाल दो, तो कप करके डाल दो। ये बड़ा वाला भी था लेकिन मैंने बोला छोटा वाला डाल दो, छोटा वाला इजी होता। बड़ा वर्जन भी था क्या इसका? था के। मुझे पानी आ रहा पूरा, पानी पूरी मतलब जो पूरी को देख के मुंह से पानी आ जाए।
स्वीटी का पापड़ी चाट टेस्ट करो। लेकिन नीचे वाला पापड़ी हम लोग क्या करते थे, मैं बोलती थी पूरी से बनाओ। आज पानी पूरी के बाद तो दही बड़ा का नंबर है सचमुच। आज कुछ भी बोल दो, घूमने से ज्यादा मुझे दही बड़ा अच्छा लगता है। कैमरा पर्सन के लिए फ्रेश कैमरा पर्सन को लास्ट में मिलता है। अरे उसको फ्रेश खाना था, शूट वूट हो जाएगा उसके बाद। क्या है ब्लॉगर लाइफ, ये घूमनी तब से तब तक ट्राई करते हो, घूमने ट्राई करो। चम्मच क्या है, दो ही बड़ा। और दो ही बड़ा में जो मतलब उड़द डाल होता है ना, बिरिट डाल, उसको जो जैसा मतलब पीस के बनाते हैं, उसमें मैंने अदरक, ग्रेटेड अदरक और हरी मिर्च चॉप करके डाला था, तो ज्यादा टेस्टी बनता है उसमें। मस्त बना है। और इमली का चटनी, अब हाँ इमली का चटनी नहीं, खट्टा चटनी। आप लोग आ जाओ हमारे चाट पार्टी में कोलकाता में। अभी सब तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में सब तो अभी चाट पार्टी, रोल पार्टी, सब एक एक दिन एक एक टाइप का पार्टी होगा। हमारे यहाँ पे ये हो रहा है पार्टी, हमने भी शुरुआत कर दिया। आगे भी होगा हम लोग को भी। हाँ हमने भी शुरुआत कर दिया, क्यों हम पीछे क्यों रहे। दड़ून 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 बंगाली चाट पार्टी में आप सबका स्वागत है। एंजॉय करते हैं उसके बाद का डिनर देखते हैं। अब यही डिनर होता है स्वीटी का। अरे सॉरी, बहुत बड़ा गलती से मिस्टेक हो गया। इसको पानी पूरी बंगाली में नहीं बोलते है, फुचका, फुचका बोलते है। तो हर जगह का उसका मिस के साथ डिस्कस हो रहा था पानी पूरी का, बोलते हिंदी में पूछ रहे थे कौन सा जगह पे क्या क्या बोलते हैं पानी पूरी, और क्या बोलते हैं गोलगप्पा, फुचका और क्या क्या लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। देखो बेचारा इतना सा चीज है लेकिन इसका डिमांड है। अच्छा फ्रेम मिल गया। तो मम्मी ने आज बहुत अच्छा चाट बनाया है, इसलिए आज मम्मी थक गई बहुत बहुत। आज व्लॉग में एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।